दिस वीडियो इज इन एसोसिएशन विद पेनियर बाय। पेनियर बाय ऐप के जरिए एरिया के बैंकर बने। पेनियर बाय ऐप से जुड़कर आप अपनी इस दुकान को कैश विड्रॉवल पॉइंट बनाइए, हर विड्रॉवल पर कमीशन कमाइए। खबर शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना, और नारी पर शुरू हो चुका है एक नया शो, नाम है हर स्टोरी, जिसमें होंगे औरतों और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के किस्से, औरतों के इतिहास से जुड़ी कहानियां, बोरिंग लेक्चर नहीं, बढ़िया कहानियां। देखना मत भूलिएगा और नारी पर हर सोमवार सुबह 10 बजे। अब बढ़ते हैं खबर की ओर। मामला मध्य प्रदेश का है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की पत्नी ने एक ट्वीट किया, ट्वीट के लिए इतना ट्रोल हुई कि उनको वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा। आज तक के रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक घटना 16 अप्रैल की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की पत्नी डॉक्टर स्तुति ने जबलपुर से रात करीब 12 बजे एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में वे लिखती हैं, मुझे रात को दवाई की जरूरत थी और सभी दुकानें बंद हो चुकी थीं। रात 11:30 बजे एक मुस्लिम की मेडिकल दुकान खुली हुई थी। ड्राइवर और मैं उस दुकान पर पहुंचे और दवाई खरीदी। उसने कहा कि दीदी इस वाली दवाई से नींद ज्यादा आती है, कम ड्रॉप दीजिएगा। वे कितना केयरिंग था, वे मुस्लिम था। #HinduMuslimUnity। उनके ट्वीट के बाद लोगों की प्रतिक्रिया आने लगी। पार्टी और विपक्ष के तमाम नेताओं ने भी कई तरह की बातें कही। कुल मिलाकर ये हुआ कि लोगों को ये ट्वीट पसंद नहीं आया। ट्विटर पर इस तरह के रिएक्शन आने के बाद स्तुति ने ये ट्वीट डिलीट भी कर दिया। इसके बाद अगले दिन उन्होंने एक और ट्वीट किया, इसमें उन्होंने पुरानी ट्वीट को डिलीट करने की वजह बताते हुए लिखा, पिछला ट्वीट अनावश्यक अराजकता फैला रहा था, इसलिए डिलीट करना पड़ा। धार्मिक लड़ाई के विषय पर विचार साझा करना मुश्किल है, मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था, बाकी सब कर्म पर छोड़ देते हैं, जय महाकाल। स्तुति के इस ट्वीट पर दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी प्रतिक्रिया दी। तेजिंदर बग्गा ने ट्वीट को कोट करते हुए लिखा, केमिस्ट का धर्म था लेकिन आतंकवाद का धर्म नहीं होता। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की पत्नी के ट्वीट को डिलीट करने को ही कांग्रेस ने राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा, नफरत फैलाने की वैचारिक शिक्षा देने वाली छत के नीचे सत्य स्वीकारने वे वैमनस्यता के खिलाफ शांति दूत भी, भाभी जी आपके अदम्य साहस को सलाम। ट्वीट डिलीट करने की मजबूरी भी लाजमी थी, किंतु एक दिन वीडी शर्मा भाई साहब भी समझेंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको है बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।